हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आज हम आपके साथ घर पर ही रखे हुए सामान से बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी शेयर करेंगे, जिसके लिए आपको मार्केट से कुछ भी लाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सुबह का ब्रेकफास्ट हो या फिर शाम की चाय, फटाफट से आप इसे बनाकर तैयार कर सकते हैं। इसे आप बनाकर बच्चों के लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं। बहुत कम समय में और बहुत कम सामान से बनकर ये तैयार हो जाती है। चलिए तो फटाफट से इस मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। तो इसे हम जिस सामान से बनाकर तैयार करेंगे वो आपके घर में हर समय मौजूद होते ही है। तो यहाँ पर हमने एक मीडियम साइज़ का कच्चा आलू लिया है, इसको हमने छीन लिया है, और एक ही कटोरी हमने गेहूं का आटा लिया है। तो सबसे पहले आलू को हम ग्रेट कर लेते हैं। तो थोड़े से पानी में ही हम इसे ग्रेट कर रहे हैं, क्योंकि आलू बहुत जल्दी काला पड़ जाता है। तो मीडियम वाले छेदों की तरफ से ही इस आलू को हमने ग्रेट कर लिया है। तो ये देखिए इस तरह से, तो सारा आलू हमने ग्रेट कर लिया है। अब 2 से 3 बार इसे अच्छे से धुल लेंगे, जिससे इसका सारा स्टार्च निकल जाए। तो ये देखिए पानी बिल्कुल साफ़ हो चुका है। तो चलिए अब नाश्ता बनाना शुरू करते हैं। तो एक कढ़ाई में 1 चम्मच तेल लेंगे, और इसी में 1 चम्मच जीरा, 1/2 इंच अदरक का टुकड़ा जिसे हमने ग्रेट कर लिया है, 2 से 3 हरी मिर्च डाल देते हैं और अच्छे से इन्हें भून लेते हैं। यहाँ पर हरी मिर्च हमने ज़्यादा डाली है, क्योंकि लाल मिर्च का यूज हम नहीं करेंगे। तो अब जिस कटोरी से हमने गेहूं का आटा लिया था, उसी कटोरी से 1 कटोरी इसमें हम पानी डाल देते हैं, और जो आलू ग्रेट करके रखा था उसका पानी हमने निकाल दिया है और आलूओं को डाल देते हैं। अच्छे से मिक्स कर देते हैं और इसमें एक उबाल आने देंगे। तो अब इसमें डाल देते हैं 1/4 चम्मच काली मिर्च का पाउडर, लाल मिर्च का यूज हम नहीं करेंगे, और नमक डालेंगे। तो 1/2 चम्मच हमने इसमें नमक डाल दिया है। दोनों को अच्छे से मिक्स कर देते हैं और पानी में एक उबाल आने देंगे। तो ये लीजिए पानी में उबाल आ चुका है। गैस की फ्लेम बिल्कुल लो कर देंगे और अब इसमें गेहूं का आटा डाल देंगे। लो फ्लेम पर ही आप गेहूं का आटा डालिएगा, नहीं तो आटे में लम्स पड़ जाएंगे। और बस लो फ्लेम पर ही इसे चलाते हुए अच्छे से मिक्स कर लेंगे, जब तक कि आटे का एक डोसा ना बन जाए और ये कढ़ाई को छोड़ ना दे। तो आप इसे लगातार इसी तरह से चलाते रहिएगा, बहुत जल्दी आटा पानी को सोख लेगा। तो ये देखिए आटा डो के फॉर्म में आ चुका है और इसने सारा पानी सोख कर लिया है। तो बस अब इसको हम ढक कर रख देते हैं 10 मिनट के लिए। गैस को हम बंद कर देंगे, तब तक हम दूसरी तैयारी कर लेते हैं। तो यहाँ पर 3 बड़े चम्मच हमने गेहूं का आटा लिया है। अब इसमें 1 चम्मच चिली फ्लेक्स डालेंगे और 1 ही चम्मच सफ़ेद वाला तेल डाल देते हैं, और साथ में डालेंगे कटा हुआ हरा धनिया और थोड़ा सा इसमें नमक डाल देंगे। सभी को अच्छे से मिक्स करेंगे और थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इसका एक हम घोल तैयार करेंगे। इसमें भी एक साथ ज़्यादा पानी मत डालिएगा, नहीं तो आटे में लम्स पड़ जाएंगे। तो पहले थोड़ा सा पानी डालकर इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेते हैं, और वापस से इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे और इसका एक घोल तैयार करेंगे। तो ये देखिए इसका घोल ना तो ज़्यादा पतला ही हमें रखना है, ना ज़्यादा गाढ़ा ही रखना है। तो ये देखिए इस तरह का एक घोल हम तैयार कर लेंगे। आटे को रखे भी 10 मिनट हो गए हैं और ये थोड़ा सा ठंडा भी हो चुका है, तो इसको थोड़ा सा मसल कर हम चिकना कर लेंगे। ये आटा पका हुआ है तो बिल्कुल भी आपके हाथों में ये चिपकेगा नहीं। तो ये देखिए बहुत अच्छे से इसका एक डो बनकर तैयार हो गया। तो अब इस आटे के 2 पार्ट कर लेते हैं और इसकी बड़ी बड़ी सी 2 लोइयां बनाकर हम तैयार कर लेते हैं। तो ये देखिए इसी तरह से दूसरी लोई को भी हम बना लेते हैं, और अब इसकी हम एक मोटी सी रोटी बेलेंगे। तो चकले पर इसको हम बेल लेते हैं। आप चाहें तो इस पर सूखा आटा डस्ट कर सकते हैं, पर ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये आटा पका हुआ है, बिल्कुल भी चकले पर आपके चिपकेगा नहीं। तो ये देखिए इसको हमने मोटा मोटा ही बेला है, ज़्यादा पतला इसको हमने नहीं बेला है। अब चाकू से इसके किनारों को कट करते हुए चौकोर रोटी बनाकर हम तैयार कर लेंगे। तो चारों किनारों को हमने कट कर दिया है, साइड के आटे को निकाल देते हैं, इसको वापस से बेल कर हम नाश्ता तैयार कर लेंगे। और इसकी भी हम 20 से 1 कट लगाएंगे और इसकी पतली पतली सी स्टिप काट लेंगे। आप इस नाश्ते को किसी भी शेप में बनाकर तैयार कर सकते हैं, पर आज हम इसे इस तरह से बनाकर तैयार कर रहे हैं। तो बस सारा नाश्ता बिल्कुल इसी तरह से हम बनाकर तैयार कर लेंगे। और ये देखिए इसे हमने इतना चौड़ा रखा है,
तो चलिए फटाफट से पूरा नाश्ता बनाकर हम तैयार कर लेंगे और इनको हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं। तो ये देखिए सारा नाश्ता बनकर हमारा तैयार हो गया। तो चलिए अब इनको करेंगे हम फ्राई। तो तेल गरम होने के लिए हमने पहले ही रख दिया था, तेल हमारा तेज गरम है। तो चलिए अब इनको हम फ्राई कर लेते हैं। जो आटा हमने घोल कर रखा था उसमें नाश्ते को हम डिप करेंगे और एक फोक की सहायता से इसको उठाते हुए गरम तेल में डाल देंगे। ये देखिए इस तरह से। तो दूसरा भी बिल्कुल इसी तरह से डिप करेंगे हम आटे के घोल में और फोक से इसे उठाते हुए इसे कढ़ाई में डाल देंगे। गरम तेल में ही इन्हें फ्राई करेंगे और जब इन पर एक साइड से हल्का गोल्डन कलर आ जाएगा तब इनको हम पलट देंगे। तो ये देखिए कितना बढ़िया नाश्ता हमारा फूल गया है। तो बस इसको दूसरी साइड से भी हल्का गोल्डन कलर आने तक हम फ्राई कर लेंगे। तो ये देखिए नाश्ता बनकर तैयार है और ये बहुत ही ज़्यादा फूला फूला बना है। इस नाश्ते को फ्राई करते समय तेल तेज गर्म होना चाहिए, गैस की फ्लेम आप हाई रखिएगा, नहीं तो ये ऑयली हो जाएंगे। तो ये देखिए सारा नाश्ता बिल्कुल इसी तरह से बनाकर हम तैयार कर लेंगे। तो इनको हम निकाल देते हैं और बाकी का नाश्ता भी इसी तरह से बनाकर हम तैयार कर लेंगे। इस नाश्ते को हमने गेहूं के आटे से बनाया है इसलिए ये बहुत ही ज़्यादा कुरकुरा बना है। तो चलिए एक प्लेट में इन्हें हम सर्व कर लेते हैं। तो आपको आज की ये मज़ेदार सी रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ये देखिए कितने बढ़िया हमारा नाश्ता बनकर तैयार हुआ है। अंदर से ये बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है और ऊपर से बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी। उम्मीद है आपको आज की हमारी ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। तो कैसी लगी आपको आज की हमारी ये रेसिपी कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। और यदि आपको हमारी ये रेसिपी ज़रा भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ प्लीज़ उसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। ऐसी ही नई मज़ेदार चटपटी रेसिपी के साथ नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे फिर मिलेंगे। थैंक यू।